गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज से आई विल बी स्टार्टिंग द वर्कशॉप्स इन द नॉन फाइनेंशियल स्पेस। आपने देखा होगा कि लाइक फॉर द पास्ट टू एंड हाफ वीक्स आई हैव कवर्ड मोर देन 50-55 कंपनीज इन द फाइनेंशियल स्पेस, बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑफ कोर्स वो लेंडिंग साइड में, इवन नॉन लेंडिंग साइड में भी आई कवर्ड अ लॉट ऑफ कंपनीज इन एएमसीज, ब्रोकरेजेस एंड ऑल दैट। आई स्टिल हैव अराउंड 8-10 कंपनीज लाइक कैम्स एंड सीडीएसएल एंड ऑल दैट व्हिच आई विल कवर, बट मुझे लगा कि लाइक मैं नॉन फाइनेंशियल्स के साथ उसको कवर करता हूँ, बिकॉज वरना क्या हो रहा है कि लाइक ये नॉन फाइनेंशियल्स कवर होगी ही नहीं। ठीक है, तो आज का जो कंपनी है तो ओके, हाँ एक और पॉइंट है कि लाइक मैं नॉन फाइनेंशियल्स में वही सारा कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसपे अच्छा खासा मौका है, अपॉर्चुनिटीज है। आई मीन आई डोंट वांट टू बोर यू विद द लाइक्स ऑफ एचयूएल एंड आईटीसी एंड वैसा टाइप का नॉन फाइनेंशियल, डाबर लेके बात नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे कोई कंपनीज जिसका से एक एक सेल्स का हाई पेस ऑफ ग्रोथ हो, ठीक है, ऐसा कंपनीज जिनका लेट से फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ नया चीजें हो रहा है, केपेक्स कर रहा हो, मैनेजमेंट बहुत बुलिश है, तो इस तरीके के कंपनीज मुझे देखना है। और ऑफ कोर्स आई वुड लुक टू टारगेट कंपनीज जो छोटी साइज की हो और लेट से मैनेजमेंट में बहुत भूख हो, ठीक है, तब जाके वो बड़ा बनने का एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने वो स्टॉक लेके भूल गया, बिकॉज छोटे कंपनीज में गड़बड़ भी होता है अगर आप हड़बड़ी में जल्दी बढ़ने का कोशिश करते हो। तो यू हैव टू ट्रैक दिस बिजनेसेस, और मेरा काम है राइट हर क्वार्टरली वर्कशॉप आपको बना के देना, सो दैट इससे क्या होता है आपका भी नॉलेज बढ़ता है कि लाइक एक बिजनेस उस क्वार्टर के बाद क्या किया है, मैनेजमेंट ने क्या बोला कॉन कॉल में, रिजल्ट कैसे आया हुआ है और आगे का गाइडेंस कैसा है। यू हैव टू डू दिस वर्क फॉर वन कंपनी for every quarter and see where things are headed, और उसी अनुसार आपको अपना investment decision भी लेना पड़ेगा। तो इस angle से आप investing अपना journey को देखिए, because you have to build a portfolio over time। ऐसे बहुत companies आज होंगे जो अच्छा लग रहे हैं, जो आगे जाके अच्छा नहीं रहेगा, और ऐसे भी बहुत ऐसे कंपनीज होंगे जो से फॉर एग्जांपल आगे जाके नया आईपीओ आएंगे, हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, करेक्ट। सो ये जर्नी है कॉन्स्टेंट लर्निंग का। एनी विच वे, तो आज हम बात करते हैं क्यूपिड लिमिटेड का। कंपनी एक्चुअली बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, आप देखोगे इनका प्रोमोटर एकदम एक बूढ़ा इंसान, ठीक है, ओम प्रकाश गर्ग करके एक बंदा जो क्यूपिड का कंपनी चलाता था, ठीक है। अब क्यूपिड क्या बनाती है, क्यूपिड बनाती है कॉन्डम्स, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कॉन्डम्स का भी दो कैटेगराइजेशन होता है, एक होता है मेल कॉन्डम्स और एक होता है आपका फीमेल कॉन्डम्स, राइट। सो अगर आप देखोगे कि लाइक इन फीमेल कॉन्डम्स का मार्जिन मेल कॉन्डम से ज्यादा आता है, सो अराउंड आई थिंक 80% ऑफ उनका सेल्स मेल कॉन्डम से आता है और 20% ऑफ कॉन्डम्स फीमेल कॉन्डम से आते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया फीमेल कॉन्डम्स का मार्जिन मेल कॉन्डम से ऑलमोस्ट 3 गुना है, ठीक है। तो बेसिकली आज कंपनी को क्या करनी है, अपना अपना फीमेल कॉन्डम का परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज टू द टोटल पाई बढ़ानी है ताकि कंपनी का मार्जिन बढ़े। तो यही पॉइंट है, मेल एंड फीमेल कॉन्डम बनाने वाला कंपनी, बहुत सिंपल सी कंपनी है। अब दूसरे साइड ये है कि ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, उनका 95% ऑफ सेल्स आता है एक्सपोर्ट से, और इनका मेजोरिटी क्लाइंट्स जो है वो B2B है, वो B2C क्लाइंट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्यूपिड का हिस्टोरिकली एक हमेशा एक B2B कंपनी बन के रहा है। तो अगर आप अभी देखो कि लाइक उनका UNFPA उनका एक सबसे बड़ा क्लाइंट है। तो UNFPA क्या है, इट्स एन इनिशिएटिव UN का दैट प्रोमोट्स हेल्थ से डिग्निटी, फिर वुमेन राइट्स, मैटरनल हेल्थ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आप UNFPA के बारे में देखोगे तो देयर हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। तो ये UNFPA को अपना मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स देते हैं और वो इन कॉन्डम्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो बेसिकली क्या है, क्यूपिड एक UNFPA, फिर आप देखोगे ऐसे गवर्नमेंट के साथ इनका टाई अप्स है इन तंजानिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ठीक है, ऐसे ऐसे सरकारों के साथ इन इन कंट्रीज में। इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू ओनली 4-6% ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक है। तो अभी बात यह है कि इतने सालों से अगर आप देखोगे क्यूपिड का उतना कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा था। ऑल्दो द कंपनी का फाइनेंशियल्स बुरा नहीं है, इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट, इनका हार्डली कोई लॉन्ग टर्म डेट है, राइट, इनका इक्विटी बेस एकदम स्ट्रांग है, इनका कैश फ्लोस पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी क्यूपिड में कुछ होता नहीं था बिकॉज मैनेजमेंट वॉज ओल्ड, ठीक है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इफ यू सी दैट यू नो दे डिडंट हैव दैट हंगर। अब ये कंपनी में कवर क्यों कर रहा हूं, बिकॉज रिसेंटली न्यूज आया, आई हैव टू टेल यू द नेम। तो हलवासिया फैमिली हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ क्यूपिड। सो नया मैनेजमेंट आया है
और क्यूपिड को टेक ओवर किया। आई थिंक दे गॉट अराउंड 45% ऑफ द टोटल स्टेक्स ऑफ क्यूपिड और आगे जाके दे वुड प्रोबब्ली अक्वायर अनदर 26%। तो 50 के ऊपर हो गया, मतलब क्या, मतलब आपका पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल आ जाएगा। ये जो नया प्रोमोटर ग्रुप आया है, तो नया प्रोमोटर ग्रुप पहले बार कॉन कॉल में इस बार आया और इन्होंने बहुत सारी चीजें को प्रॉमिस किया। पहला पॉइंट इन लोगों ने प्रॉमिस किया कि लाइक ये लोग धीरे धीरे करके B2B में तो थे लेकिन B2C में भी फोकस करने वाले हैं, राइट। B2C में भी तो देखिए, अगर कोई हलवासिया हो या कोई भी हो, ठीक है, मतलब अगर आप आ रहे हो एक कंपनी को लेने के लिए तो आपको आपका रीजंस तो देनी पड़ेगी, राइट, कि लाइक आप उस कंपनी को क्यों खरीद रहे हो। तो उनका था कि लाइक B2C मेंटालिटी में जाने वाला है, बिकॉज ऑफ कोर्स B2C में मार्जिन ज्यादा है। दूसरा अगर आप चीज देखोगे वो है कि उनको लगता है कि इंडिया में अगर आप देखोगे देर इज वेरी लो पेनिट्रेशन ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, वेरी लो पेनिट्रेशन ऑफ अवेयरनेस। तो उनको लगता है कि आगे जाके क्यूपिड इंडिया में भी कैन स्केल अप एट अ फास्ट पेस, ठीक है। सो जो से फॉर एग्जांपल आज जैसे मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका, तंजानिया, ब्राजील ऐसे कंट्रीज में है, तो ऐसे कंट्रीज में भी आप देखोगे सेक्सुअल हेल्थ का पेनिट्रेशन थोड़ा सा कम है कंपेयर टू से डेवलप्ड नेशन लाइक यूरोपियन कोई कंट्री आप पकड़ लो। तो ऐसे कम ऐसे ऐसे कंट्रीज के साथ साथ क्यूपिड अभी इंडिया में भी बढ़ने का कोशिश करेगा। सो नाउ दैट्स द सेकंड रीजन। अब कंपनी क्या बोल रही है कि नाउ वी विल बी मोर हंग्री। हाउ डू यू बिकम मोर हंग्री, व्हेन कंपनी ये बता रही है कि द मनी दैट वी आर ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल, ठीक है, बट क्यूपिड लेने के बाद वो पैसा यूटिलाइज होगा कि लाइक यहाँ पे प्लांट्स बिठाने के लिए। सो दे वुड वांट टू ट्रेबल कैपेसिटीज इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो इसीलिए आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब से ये हलवासिया वाला ने आया और क्यूपिड को लिया और ये वाला बात बोला कि लाइक हम अपने कैपेसिटी को ट्रिपल करेंगे, कैपेसिटी ट्रिपल करेंगे और उससे क्या होगा, उससे उनका ROIC और कंपनी ने यह भी बताया कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल विल टच 20% और मोर, अभी 15 के नीचे के होगा, ठीक है। अब जब ये दोनों बात बोला ना तो मार्केट ने रिएक्ट किया और वो स्टॉक डबल हो गया। तो बेसिकली क्या होता है ना, मार्केट ऐसे ही काम करता है, मार्केट वेट नहीं करेगा फॉर दिस कैपेसिटी, मतलब प्लांट बिठे फिर उसको कमीशन हुए और फिर उसके बाद लोग आए रिजल्ट कैसे दिखेगा और फिर स्टॉक, ऐसा स्टॉक नहीं बढ़ता है, स्टॉक उम्मीद पे चल जाता है। तो आप देखोगे जब ये बंदा, आई स्टिल रिमेम्बर जब ये बंदा आया था, मतलब हलवासिया आया और क्यूपिड ने डिक्लेयर किया कि लाइक ओके फाइन हम अपने मैनेजमेंट कंट्रोल और सब कुछ दे रहे हैं इनको, यही आगे जाके कंपनी को लेके जाएगा, वो स्टॉक 300-350 के लेवल में था। आज अगर आप देखोगे ना वो स्टॉक, आप देखोगे कुछ करता ही नहीं था एंड सडनली 300 से वो 800 में चला गया, एंड दैट हैपेंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि अगर आप देखोगे के गोइंग फॉरवर्ड जब उनका कैपेसिटी का एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब जो 3x कर देगा अपना कैपेसिटी को, वो 2 साल के अंदर जब हो जाएगा उसके बाद से दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रोइंग सेल्स अराउंड 15-20% CAGR। मतलब कंपनी का जो टॉपलाइन का ग्रोथ था वो डिसअपॉइंटिंग ही था इतने दिन से, ठीक है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद एंड वो लोग अपने सेल्स टीम, सेल्स फोर्स सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज क्यूपिड अगर आप देखोगे जैसे मैंने बताया थोड़ा सा ओल्ड कंपनी था, एंड ओम प्रकाश गर्ग इज अ वेरी ओल्ड मैन, ठीक है, वो गर्ग फैमिली कब से लेके बैठा है उसको। सो नाउ यू नीड फ्रेश ब्लड इन द बिजनेस, जो मार्केट को अच्छा लगता है जब कोई नया आके यू नो एक पुरानी कंपनी में थोड़ा बहुत पुश लगाती है। सो ये बन जाता है क्यूपिड का बात। कुछ और चीजें हैं मैनेजमेंट का इनसाइट्स बताता हूँ कॉन कॉल में। लाइक पहला चीज तो ये कि उन्होंने मार्जिन्स का बारे में बात किया कि लाइक इंडिया इतना प्राइस का मतलब प्राइस कॉन्शियस एक मतलब एक कंट्री है कि यहाँ पे ना एक ब्रांडिंग करना डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर आप ब्रांडिंग करोगे तो आपका एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगी, राइट। और अगर आप ऐसे चीज पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज प्रोडक्ट क्या है, कॉन्डम्स है, राइट, तो कॉन्डम्स इज आल्सो मोटा मोटी एक प्राइस सेंसिटिव एक आइटम, राइट, क्योंकि अगर आप देखोगे कि लाइक अगर कोई कॉन्डम के दुकान में जाता है वो 3-6 का पैकेट में लेता है एंड देन वो भी देखता है कि लाइक ठीक है कौन कौन सा फ्लेवर्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। द पॉइंट इज कोई ऐसा नहीं देखता है, मतलब कॉन्डम में वो मतलब वो वाला बात नहीं है, मतलब यू वोंट वांट टू ओवरपे फॉर कॉन्डम्स, राइट। सो दैट्स अ थिंग, बट ऑफ कोर्स ब्रांडिंग वाइंडिंग भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, वो भी लोगों के दिमाग में है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, राइट, इट्स अ कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट। तो अगर आप मुझे आज पूछोगे यहाँ पे स्केल अप करना इंडिया में, इट बिकम्स अ वॉल्यूम प्ले। तो कंपनी ने ये भी बताया कि लाइक इट बिकम्स अ वॉल्यूम प्ले, इट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन प्ले, ठीक है। एंड दे वुड वॉन्ट टू सेल मोर ऑफ फीमेल कॉन्डम्स बिकॉज उनका मार्जिन इज ऑलमोस्ट 2.5 times to 3 times। अगर मैं EBITDA मार्जिन बोलू फीमेल कॉन्डम्स का, दैट्स 31% और मेल कॉन्डम्स के EBITDA मार्जिन इज अराउंड 12%। तो एंड फीमेल कॉन्डम्स आर लाइक 20% ऑफ द ओवरऑल सेल्स। So you need to increase this part of the pie na, from 20% to let's say 25 to 30%. So
अगर आपका यू इंक्रीज कैपेसिटी और उसके बाद आपका टॉप लाइन का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ा एंड यू ऑल्सो कैन इंक्रीज मार्जिन, देन यस ये स्टॉक पैसा बनाएगा। बट ये जो आप देख रहे हो ये स्टॉक डबल हो गया पिछले एक डेढ़ साल में, सॉरी एक डेढ़ दो तीन महीने में ही आई गेस हुआ होगा, राइट? बहुत रिसेंटली बात है। तो इसका मतलब इसका यही रीजन है कि एक नया मैनेजमेंट आया है। एक डिसअपॉइंटिंग बात मैं बोलूं कि अगर मैं उनका Q2 का रिजल्ट डिस्कस करूं तो उनका सेल्स 20% घट गया है, 20% का सेल्स का ड्रॉप हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। QOQ बेसिस में भी अगर आप देखोगे सेल्स का कुछ हुआ नहीं है। पैट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल डाउन बाई 40-45% के आसपास। तो इनका Q2 का नंबर अच्छा नहीं है और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि साउथ अफ्रीका तांजानिया वो एक्सपोर्ट बाजार में फीमेल कॉन्डम्स का डिमांड घट गया है, ठीक है? एंड बिकॉज फीमेल कॉन्डम्स का डिमांड घट गया है एंड ऑफकोर्स इट्स एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी ना, 94% एक्सपोर्ट से आते हैं, तो दैट इज अफेक्टेड द ओवरऑल टॉप लाइन ऑफ द कंपनी। सो एक तरफ देखिए, अब यही वाला पॉइंट है ना, एक तरफ इतने अच्छी चीजें हो रहा है कि लाइक कैपेसिटी ट्रेबल होगा, नया मैनेजमेंट आया है, ये करेंगे वो करेंगे, दूसरे साइड में Q2 का नंबर्स बहुत ही घटिया आ गया, ठीक है? तो लेकिन हैविंग सेड दैट, यही है इन्वेस्टिंग का जर्नी, राइट? यू कांट फिक्सेट योर माइंड ऑन एनीथिंग, यू हैव टू ट्रैक एंड सी के किस तरफ जा रहा है। बिकॉज अगर मुझे इस कंपनी को ट्रैक करनी है अगले क्वार्टर में, मैं मैनेजमेंट से यही पूछूंगा कि लाइक तुम्हारा कैपेसिटी जो तुमने बताया कि लाइक उसका बताओ, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, कहाँ पे प्लांट बिठा रहे हो, क्या हो रहा है, किस स्टेट में बात है। दूसरे फीमेल कॉन्डम्स पे मेरा फोकस रहेगा कि लाइक क्या तुम इस पार्ट ऑफ द पाई को बढ़ा सकते हो, है ना? एंड ऑफ कोर्स नया मैनेजमेंट का भूख हंगर एंड देखेंगे, बिकॉज आज तो उन्होंने बहुत ऐसे 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 प्रॉमिसेस तो किया है। अब देखिए पॉइंट यही पे आता है, आगे जाके से अगर ये प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाया ना, या लेट्स से देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन से व्हाट यू सेड एंड व्हाट यू गिव, राइट, वो स्टॉक ऊपर से नीचे गिर जाएगा। सिंपल सी पॉइंट है, बिकॉज मार्केट अभी उम्मीद लेके बैठा है क्यूपिड से। आगे जाके अगर से फॉर एग्जाम्पल क्यूपीड ये नहीं कर पाया, या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल प्लांट का कमीशन होने में लेट हो रहा है, और भी प्रॉब्लम्स आने लगता है एक्सपोर्ट मार्केट में, तो वही स्टॉक फिर से टाइट एफिस हो जाएगा। तो हमारा काम यही है कि ट्रैक करना और देखना कि जो बोल रहे वो कर रहा है कि नहीं, है ना? और अगर जो बोल रहे वो कर पाता है तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा और ऊपर जाता रहेगा, राइट? इतना एक ऑल टाइम हाई से और एक ऑल टाइम हाई, बिकॉज मार्केट परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करता है, अंडर परफॉर्मेंस को नहीं। सो ऑन दैट नोट, दैट्स मोर ऑर लेस इट। अगर आपको कोई सवाल हो इस कंपनी को लेके, ठीक है, ये तो कौन कॉल कर रहा है अभी भी, तो जैसे Q3 से भी, मतलब आई थिंक Q3 से पूरा उसका नया मैनेजमेंट ही पूरा कौन कॉल हैंडल करेगा। आई थिंक ओम प्रकाश गर्ग रहेगा कंपनी के साथ, इट्स नॉट दैट ही इज लीविंग दैट कंपनी, बट देन अगेन हैविंग सेड ऑल दिस कि उन्होंने अपना मैनेजमेंट ड्यूटी पूरा रिलिंक्विश कर दिया, आई थिंक ही कैन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द बोर्ड और एक एडवाइजरी कमिटी में अपना अपना एक्सपर्टीज दे सकते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगले कंपनी के लिए देखते हैं मैं अगला वाला कौन सा कंपनी उठा के आपके सामने पेश करता हूँ। थैंक यू।